हालांकि वो तो खैर नजर नहीं आते हैं, लेकिन विकास नजर आता है। तो वह नरेंद्र मोदी के राज में बहुत विकास हुआ है। वर्तमान सांसद से कितने खुश हैं? खुश हैं। हाँ। काम हुआ आपके क्षेत्र में? हुआ, बहुत हुआ। तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। सांसद से मिले हैं कि नहीं कभी? नहीं नहीं मिले। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्षेत्र में पार्टियां लगातार दावेदारी कर रही है। इस बार बता दूं कि 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार क्षेत्र में पार्टियां जो है पब्लिक के बीच जा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत मैं पहुंचा हूं आज अहमदाबाद प्रखंड में, और अहमदाबाद प्रखंड में लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो है चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? राजदेव यादव। वोट करते हैं कि नहीं? करते हैं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा वोट में? वोट में जब सत्ता का ऊपर रह गया किधर। वर्तमान सांसद से कितने खुश हैं? खुश हैं। हाँ। काम हुआ आपके क्षेत्र में? हुआ, बहुत हुआ। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है? जी, हमारा नाम शेख सद्दाम। क्या करते हैं? जी, मैं ऑनलाइन कैफे वाला सर्विस चलाता हूँ। क्या लगता है वर्तमान सांसद? वर्तमान सांसद हम लोग 100% मतलब खुश हैं, बहुत विकास किया, बट सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। बेरोजगारी, उसके बाद गरीबी, विकास, इस पर हम लोग मतलब जो है ज़्यादातर मुद्दा बने उसको देख करके मतलब जो है हम लोग वोट करेंगे। लेकिन हमारा यही संदेश है कि सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये राजनीतिक मतलब जो किसी का बहुत संपत्ति है नहीं। इस बार क्या लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया का? जहाँ तक मतलब हमारा मानना है तो इंडिया की सरकार बनना चाहिए और बनेगी भी इंशाल्लाह। मतलब हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बढ़िया लाल। वोट देते हैं कि नहीं? देते हैं। पहली बार इस बार वोट देंगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है इस बार? देखिए क्या होगा ना, तो आपको जनता आप है, वोट आपको करना है। देखिए, वर्ग के अकॉर्डिंग चुनेंगे, जो वर्ग है वर्ग के अकॉर्डिंग वोट दिया जाएगा। सांसद से मिले हैं कि नहीं कभी? नहीं नहीं मिले। क्षेत्र में काम हुआ? हाँ, काम तो हुआ हल्का। इस बार वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है, क्या खिलेगा या फिर महागठबंधन? देखिए क्या खिलता है और क्या, आप लोगों के राय में क्या, नया युवा पीढ़ी है ना? हाँ, युवा पीढ़ी ही खिलेगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल चला है। क्या नाम है आपका? खुशनु सिवाला। कहाँ से हैं? बेरिया से। बेरिया से। क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा जी। मतलब प्रतिनिधि मतलब यह है, सरकार मतलब विकास किया है, तो हम लोग सोचे कि मतलब ये विकास का मुद्दा सही है। इस बार किसको? इस बार महागठबंधन मतलब हम सोचे हैं, महागठबंधन। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कहते हैं चुनाव को लेकर, इनकी नजरिया क्या है। क्या नाम है आपका? अफसर आजाद। क्या है इस बार मुद्दा, क्या रहेगा? विकास का रहेगा। विकास हो पाया आपके? बहुत सारा विकास हुआ है, नरेंद्र मोदी के राज में बहुत विकास हुआ है। 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रोड स्ट्रक्चर, बिजली, कम्युनिकेशन, हर क्षेत्र में विकास हुआ है नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में। क्या लगता है इस बार देश में कितने कमल? बिल्कुल कमल खिलेगा और खिलना भी चाहिए। और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा वोट में? देखिए, हालांकि हम तो मॉडल मानते हैं, सब पूरा देश मान रहा है, तो उन्हीं के आधार पर दुरानचंद गोस्वामी जी जो भी हैं उभरे हुए, हालांकि वो तो खैर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन विकास नज़र आता है। विकास नज़र आता है, भले वो छुपे रहें कहीं भी रहें क्रिप्टो के तरह, लेकिन वो जो है विकास नज़र आया है। और देखिए, देखा जाए तो जो अपना जो मत है, क्योंकि एक चीज़ बताएंगे, रोजगार के क्षेत्र में कितना लोगों को रोजगार? देखिए, रोजगार के मामले में तो अगर कहा जाए तो तेजस्वी जी हैं भाई, 17 महीना में कम हिला दिए हैं, लेकिन हमारे जो चाचा जी जो है क्या बताएं, बदल जाते हैं। खैर, अच्छी बात है, बदलना चाहिए, विकास होनी चाहिए, और इस बार जो है दुलाचर गोस्वामी जी रहेंगे फिर से।